ये दोस्तों सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन। और ये आ गया दोस्तों हैदराबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस। मीठा अंगूर, ताजा अंगूर, अंगूर आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम तो निकाल देना मुझे। हाँ बोले आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। कोरोना के चक्कर में नहीं आने दे रहे भाई। हाँ कोरोना के चक्कर में नहीं आने दे रहे। अबे फाइन पड़ रहा 2000 रुपये। क्या अरे ठीक है। भोपाल जंक्शन दोस्तों हैदराबाद से चलकर आगरा जाने की राशि न्यू दिल्ली सोलह वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको विवरण देना चाहती हूँ। ट्रेन नंबर 02185 हबीबगंज रेवा फ्रॉम हबीबगंज टू रेवा वाया बेना सागर इज रनिंग ऑन टाइम। इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव हियर। समय हुआ है दोस्तों 10 बजे का। एक बारी गाड़ी फिर है अपने सही टाइम पर, बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचती हुई और होपफुली इट विल रीच न्यू दिल्ली बाय 7 or 8 AM इन द मॉर्निंग। लेट्स सी। ना ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके। ओके बाय बाय।
से परेशानी हुई। हाँ ज़्यादा डिफरेंस भी लगा रहे हैं लॉकडाउन का घंटा है रास्ता ही। दिल्ली में तो लॉकडाउन है सुबह का।
तो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन, और हम आ पहुँचे हैं डे टू ऑफ दिस जर्नी और पहुँच गए हैं बल्लभगढ़, और यहाँ से दिल्ली है बिल्कुल पास में, और लगभग एक घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे अपने स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो वापसी की जर्नी हमारी हो रही है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें क्या है, मैक्सिमम लोग मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि केस भी डेली अपने 2 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो सबका मास्क अप है। वॉशरूम में पूरा फेस वॉश वगैरह रखा गया है, और सैनिटाइज़र तो खैर यहाँ पे भी नहीं दिया, बट इट्स गुड, दिस जर्नी इज़ गुड। और टाइम पे भी सही चल रही है, 6:50 हो गए हम, लगभग 7:50 में पहुँच जाएंगे अपने स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो और कल तो भाई साहब ये ट्रेन मिस होती बस की पूरा निकल ही गई थी, समझो 6:20 की ट्रेन थी, तो हम लोग कितने बजे चढ़े इसमें, 6:10 पे पहुँचे थे हम स्टेशन पे, तो छूट ही गई थी लगभग ये ट्रेन तो हमारी, बट एनी हाउ वी डिडंट मिस इट। स्टेशन आते आते तो पूरा टेंशन जैसा माहौल था, पता नहीं ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरा ध्यान फ़ोन पे कि कितने बज गए। तो बड़ी मुश्किल से कल की ट्रेन हुई है, सामान बहुत ज़्यादा था, लगभग 6-7 छोटे छोटे मोटे बैग थे हमारे पास, तो खुली लेके फाइनली हम पहुँचे थे प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन को हमने पकड़ लिया सक्सेसफुली, और इसीलिए आज हम डे टू में पहुँच पाए, नहीं तो डे वन वहीं पर मनता हैदराबाद में ही। तो ऑल थैंक्स टू द गॉड कि हम सही टाइम पे पहुँचे, और उस कैब वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारी बात ना समझते हुए भी हमको सही टाइम पे पहुँचा दिया। निकलते हुए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से शायद दिख भी रहा होगा, नॉट श्योर।
पहुंच गए हैं हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और सफ़र था वो अच्छा ही रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो ट्रेन थी वो भी पूरा टाइम से छोड़ा है उसने हमको, बिल्कुल लेट नहीं किया। 7:50 वाज द अराइवल टाइम और उतने बजे ही पहुंच गई। ये पीछे खड़ी सीमा गाड़ी का इंतज़ार करते हुए, और भीड़ भी काफ़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसा कि टीवी में दिखाते हैं इतनी भीड़ है ऐसा नहीं है, और ना ही हमारा किसी ने टेम्परेचर चेक करा हैदराबाद स्टेशन पे भी और ना ही यहाँ पे। तो और सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी आप देख ही लेना कैसी हो रही है। देखिए कहना चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? कुछ नहीं कहूंगी, बहुत अच्छा रहा हमारा सफर। फिर डब्बे में ठंड लगी तो रात को लगा भयंकर ज्यादा, उसी वजह से पहन ली थी ये जैकेट। और काफ़ी अच्छा सफर रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, सो इट वाज ऑल गुड। ट्यून्ड अभी दिखाएंगे आपको। थोड़ा कोरोना का डर भी था, मतलब हैदराबाद में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, पर एक अच्छी बात ये थी ना कि सब ने पूरे डब्बे में सब ने लगाया हुआ था मास्क, सब ने लगाया हुआ था नहीं, एवरीवन वाज यूजिंग मास्क। ठीक है, अभी देखना दिल्ली से रोहतक के नज़ारे, स्टे ट्यून्ड। हाँ ले जाऊं, ले जाऊं हूँ। लूटो और ये प्लूटो का इंतजार का हुआ समाप्त। और कैसे मिल रहा है प्लूटो?